हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मेरे चैनल में आपका स्वागत है। ये मैसेज अब ध्यान से सुने। आज के दौर में ऐसे किस्से बनते हैं जिनसे हमें सावधान होने की ज़रूरत है। ये कोई कहानी नहीं है, ये सच में हुआ है। एक आदमी अपनी माँ को अस्पताल ले जाने के लिए एक ऑटो वाला को बुलाता है। वो आदमी और उसकी बीवी माँ को रिक्शे में बिठा देते हैं। तभी वहाँ उनकी तीनों बेटियाँ आती हैं। बेटियों को देखकर माँ बोलती है, बेटा हम जल्दी ही आ जाएंगे और ज़रा भी परेशान नहीं होना और टेंशन नहीं लेना और घर में ध्यान से अच्छे से रहना। जो हम अक्सर बाहर जाते वक्त अपने बच्चों को बताते हैं, वैसा ही वो माँ ने भी बताया और वो लोग रिक्शा में बैठ के फौरन अस्पताल चले गए। आधे घंटे बाद वो रिक्शा वाला वापस वही घर पर आया और बच्चियों से कहने लगा, आपकी मम्मी पापा ने आपको बुलाया है, आपकी दादी की तबीयत बहुत ख़राब है, आप फटाफट मेरे साथ चलिए। रिक्शे वाले को देखकर लड़कियां उन्हें पहचान गई कि ये तो वही अंकल है जिनके साथ अभी मम्मी पापा गए हैं। हड़बड़ी में लड़कियों को कुछ समझ नहीं आया और सच में वो रिक्शे वाले के साथ रिक्शे में बैठ के चली। 3 दिन होने के बाद भी लड़कियों का कुछ पता नहीं है, वो कहाँ गई, कहाँ है, उनके साथ क्या हुआ। आप सोचो उनके पेरेंट्स पे क्या बीती होगी जब इन्हें ये बात का पता चला होगा। मेरी सभी पेरेंट्स से यही दरख्वास्त है कि किसी अनजान के सामने अपने बच्चों को ये नसीहत ऐसी बातें ना बताएं कि वो घर में अकेले हैं और उनके साथ कोई और नहीं है, ताकि कोई और लोग रिक्शा वाला या टैक्सी वाला इस बात का फ़ायदा ना उठा सके। आप मेरे इस मैसेज को सबको शेयर करें, आपकी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, ताकि सब माएँ ये बात ध्यान में रखे, किसी अनजान के सामने अपने बच्चों को ऐसी बातें ना कहे। थैंक यू।